दोस्तों, आज की ये कहानी है दुनिया के उस सबसे बड़े हिस्से के टूट जाने की जिसे आप अपनी स्क्रीन पर लाल रंग की लंगोट पहने हुए देख रहे हैं, जिसे USSR यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता था। पर धरती का ये हिस्सा जो कभी एक देश हुआ करता था और जो एक वक्त में पूरी दुनिया और खास करके अमेरिका को ये समझा रहा था कि हाउ टू लीड द वर्ल्ड, लेकिन इसी होड़ में वो खुद सिर्फ रेस से बाहर ही नहीं हुआ बल्कि साथ ही साथ पूरा देश या कह लें पूरा संगठन ही टूटकर अलग हो गया और इस लाल रंग वाले नक्शे में कुछ सतरंगी सा नजर आने लगा। तो आखिर क्या कारण था 1991 की क्रिसमस की रात को जब पूरी दुनिया यीशु का बर्थडे मना रही थी तो USSR टूट गया। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं क्योंकि इस विघटन ने दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी थी। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस दुनिया से पहली बार अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजा गया, जो इंसान भेजा गया, जो जानवर भेजा गया, उन सबको भेजने वाले की अगर तस्वीर देखें तो यही लाल रंग में डूबा हुआ नक्शा नजर आता है क्योंकि USSR उस वक्त दुनिया में हो रही तरक्की के लिए सबसे जिम्मेदार देश था और इसी कारण दूसरा जिम्मेदार व्यक्ति अमेरिका USSR से काफी जलता था और उनके बीच तरक्की की ये होड़ किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन USSR और अमेरिका में जो संघर्ष था वो इस कारण भी था क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से कैपिटलिस्ट देश था और अभी भी है, लेकिन USSR उस समय कम्युनिस्ट देश हुआ करता था। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि USSR आखिर बना कैसे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि दुनिया में विश्व युद्ध हुए थे और किस तरह उस युद्ध के बाद पूरी दुनिया बदल गई थी, उसी बदलावों में से एक बदलाव था USSR। जब 1917 में पहला विश्व युद्ध खत्म होता है तो यूरोप का एक बड़ा देश जिसे रशिया कहते हैं वो अपने आसपास के करीब 15 देशों को अपने साथ मिलाकर एक संगठन बनाते हैं और ये सब होता है कम्युनिज्म के कारण, क्योंकि शर्त यही थी कि इस संगठन को चलाने वाली सरकार कम्युनिस्ट होनी चाहिए। खैर 1917 से 1922 तक कम्युनिस्टों का आपस में संघर्ष चला और फाइनली 1922 में व्लादिमीर लेनिन नाम का एक इंसान USSR का पहला नेता बना और यहीं से शुरू हुई कहानी USSR की। लेकिन हम तो ये बताने वाले हैं कि USSR टूटा कैसे, तो आइए बताते हैं आपको। दोस्तों, अगर इस संगठन की बात करें तो इसमें जो भी देश थे उनका खुद का कानून तो था लेकिन अर्थव्यवस्था और फॉरेन पॉलिसी का पूरा अधिकार USSR के चीफ के पास ही था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका के साथ होड़ की वजह से USSR अपने इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा स्पेस रेस में खुद को साबित करने में लगा रहे थे और जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया तो वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी और न्यूक्लियर वेपन बनाने में खर्च करने लगे, जिस वजह से इस पूरे संगठन पर बहुत आर्थिक दबाव आने लगा। चूंकि इससे जुड़े देश चाहकर भी इकोनॉमी के लिए खुद से फैसला नहीं ले सकते थे, इसलिए कहीं ना कहीं उन देशों में इस USSR से अलग होने का एक बीज फूट चुका था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था स्टालिन। जी हाँ दोस्तों, लेनिन के बाद USSR का तानाशाह बना स्टालिन, जिसने अपने ही देश के लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो लोग भी उसकी बात से असहमत होते मार दिए जाते, यहाँ तक कि वो अपनी ही आर्मी और प्रशासन के लोगों को मारने या उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डालने से पीछे नहीं हटता था। कहा जाता है कि स्टालिन ने एक वक्त तो हिटलर को भी अपनी तानाशाही में पीछे छोड़ दिया था और इसी कारण पूरे USSR में एक विद्रोह लोगों के मन में तो पलने लगा था। लेकिन USSR के विघटन में अफगानिस्तान के साथ उसका युद्ध बहुत बड़ी वजह थी क्योंकि 10 साल तक अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार बनने के कारण वहाँ USSR की आर्मी मुजाहिदीन से जंग करती रही, जिसमें करीब 20,000 रेड आर्मी के जवान मारे गए और करीब 50,000 घायल हुए थे। ये युद्ध 1979 से 1989 तक चला था और इसमें मिली हार के कारण पूरी दुनिया में ये बात तो साबित हो गई कितनी बड़ी ताकत USSR अफगानिस्तान से हार गई और ये हार उसमें शामिल बाकी देशों के भीतर भी एक डर की तरह बैठ गई। इसके अलावा चूंकि इनकी इकोनॉमी भी कम्युनिज्म के अंतर्गत ही आती थी, ऐसे में सारी कंपनियां सरकार के कंट्रोल में ही होती थी, जिसकी वजह से उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और वो भी सरकार से छुट्टी चाहते थे और स्वतंत्र काम करना चाहते थे। इसके बाद आती है वो वजह जिसने उन सारे दबे हुए विद्रोह को आवाज देने का काम किया।
साल 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यानी यूएसएसआर के सर्वे सर्वा बने मिखाइल गोरबचेव ने पार्टी की कमान संभालते हुए कुछ नए सुधार को लागू करने का आदेश दिया। पहले कानून सुधार में मीडिया को यह अधिकार दिया गया कि वो सरकार के बारे में अपने हिसाब से लिखें। उनके साथ किसी भी तरह से कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, जिसका सीधा मतलब था फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस सुधार के साथ ही मीडिया सरकार के खिलाफ और लोगों के भीतर पल रहे विरोध को सामने लाने लगी थी, जिस वजह से अलगाव के नारे बुलंद होने लगे थे। इसके अलावा जो दूसरा सुधार था उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि अब चुनाव में जो वन पार्टी रूल हुआ करती थी, यानी कि सिर्फ एक ही इंसान चुनाव लड़ सकता है, वो रूल भी खत्म कर दिया गया, जिससे कि सरकार के खिलाफ पार्टियों के स्वर भी बुलंद होने लगे। इसके साथ ही यूएसएसआर, यूरोप और एशिया के कुछ देश जिन्हें कम्युनिस्ट सरकार बनाने के लिए मदद किया करती थी, वहां उसी दौरान विरोध और क्रांति होने लगी, जिसमें जर्मनी, पोलैंड, बुल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया जैसे देश थे। जब यहां कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो गोरबचेव ने इन देशों की मदद करने से इनकार कर दिया और इस तरह इन देशों से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार खत्म हो गई। इस खात्मे से ही डर कर यूएसएसआर के बाकी सारे देशों को लगने लगा कि कहीं ऐसा ही हमारे साथ भी न होने लगे, इसलिए उन्होंने भी यूएसएसआर से अलग होने की जिद शुरू कर दी। बढ़ते विरोध को देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े लोगों को लगा गोरबचेव को सत्ता से हटाकर ही ये विरोध खत्म किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने 1991 में गोरबचेव को तब नजरबंद कर दिया जब वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। साथ ही इन बड़े नेताओं ने घोषणा कर दी कि गोरबचेव की तबीयत बिगड़ गई है और अब ये लोग ही सत्ता संभालेंगे। लेकिन उसके विरोध में लोग भारी संख्या में आने लगे। 19 अगस्त 1991 में मॉस्को में पार्लियामेंट के पास लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। विरोध को बढ़ता देख रेड आर्मी को आदेश दिया गया कि वो उन्हें शांत करे, भले इन पर गोलियां चलानी पड़े, लेकिन आर्मी ने अपने ही देश के लोगों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया और इसी के साथ वापस सत्ता पाने का संघर्ष खत्म हो गया। इन सारे विरोधों को देखते हुए और दुनिया के बदलते चेहरे पर नजर डालते हुए गोरबचेव ने 21 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर के 15 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे उनकी राय जानी। जब सबने अलगाव की बात की तो गोरबचेव ने सबकी बात मान ली और 25 दिसंबर 1991 यानी क्रिसमस को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 26 दिसंबर को यूएसएसआर पूरी तरह से विघटित हो गया, जिसके बाद भी आज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े हिस्से की विघटन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। हमारे चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा दें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।